हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज देखिए, मैं कुछ आपके साथ पोर्चुलाका पे बात करने वाली हूँ। पोर्चुलाका प्लांट बहुत ही सुंदर प्लांट होते हैं। आप इनको कटिंग से ज़रूर ग्रो करिए अपने गार्डन में, और पूरे समर सीजन और पूरे रेनी सीजन ही आपके यहाँ बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। सिर्फ विंटर इनका डोरमेंसी टाइम होता है, जो कि विंटर में थोड़े से प्लांट फिर ख़राब हो जाते हैं, तो आप उस समय इनको सेव करके रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से, मतलब फिर भी ये चल जाते हैं। आप उनको किसी भी बास्केट में एक साथ बहुत सारी कटिंग लगा दीजिए हर कलर की, तो आपके जो कलर हैं वो सेव हो जाएंगे। मेरे गार्डन देखिए, एक वेरिएटेड पिंक है, एक येलो है, वाइट है और नॉर्मल पिंक भी है। ये देखिए, इधर रेड कलर है, ये देखिए ये रेड कलर में है और वाइट है, और एक ऑरेंज जैसा कलर भी है, लेकिन अभी वो खिला नहीं है। तो चार पाँच कलर हैं यहाँ पर, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आज मैंने दो लोटस की रिपोर्टिंग भी करी, देखिए यहाँ पर। एक ये देसी वाला लोटस है, जो कि तालाब से रूट लेकर के आए थे, तो उसमें मैंने उनको मतलब लगा दिया। छोटे टब में ही लगाया है, इतना बड़ा टब था मेरे पास, लेकिन मैं ज़्यादा स्पेस नहीं बढ़ाना चाहती थी इनकी, इसलिए, और स्पेस की थोड़ी कमी है मेरे गार्डन में, तो इसलिए मैंने छोटे टब में ही लगा दिया। और इधर देखिए, इधर कुछ लोटस मेरे लगे हुए हैं जिनमें बर्ड्स भी बन गए, बहुत प्यारी सी। देखिए, तीन बड़ी इसमें आ चुकी हैं। तो आज थोड़े बादल थे, तो लगा था कि धूप नहीं निकलेगी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप हो गई। आज मैंने सुबह से गार्डन में काम भी बहुत सारे किए थे, काफ़ी सारी सफाई की थी। और यहाँ पर देखिए, अगर आपको बता दूँ, कटिंग से इतनी ईजिली ग्रो हो जाता है। आप इसको धूप में भी कटिंग लगा करके रख देते हैं तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और कोई आपको दिक्कत नहीं होती। आपको इसको छाया में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी आप इसको, मतलब फूल खिल चुकते हैं ना, ख़त्म हो जाते हैं, तो इनकी जो ये डेड हेडिंग, आप इस तरह से करते रहिए, इनकी टिप को आप कट करते रहिए। जैसे इसमें एक फ्लावर अभी और खिलेगा, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये देखिए, जैसे खिल चुका है ना, इसको कट करके यहाँ से सीजर से कट कर सकते हैं, हाँ तो हाथ से भी कट कर सकते हैं, तो उससे आपका जो प्लांट है ना, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। टाइम टू टाइम आप इस पर थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइजर भी देते रहिए, और चाहे तो सीवीड का भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी दे सकते हैं। आप इसमें NPK 1919 का स्प्रे भी कर सकते हैं। आप इसमें जो किचन वेस्ट कंपोस्ट, मतलब किचन से निकला हुआ जो वेस्ट निकलता है ना, उसका लिक्विड फर्टिलाइजर आप देंगे ना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। मैंने अभी तक इनमें कोई फर्टिलाइजर डाला नहीं, सिर्फ कटिंग लगाई थी, उसके बाद भी देखिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जिस दिन हमारे यहाँ बारिश होती है ना, उसके बाद इसमें बहुत अच्छे फूल खिलते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और मतलब बारिश का पानी मिलने से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अगर आपने मिट्टी अच्छी बनाई है, तो अगर मिट्टी आपकी अच्छी नहीं होगी, मतलब वेल ड्रेन नहीं होगी, चिकनी मिट्टी में लगा देंगे आप, तो बारिश में ये गल करके ख़राब भी हो जाते हैं। लेकिन मीडिया अगर आपने अच्छा बनाया, तो बारिश में ये बहुत अच्छा चलता है तब भी से। और सनलाइट की बात करें, तो फुल सनलाइट इसको लगभग 6 से 8 घंटे की सनलाइट ज़रूरी है, नहीं तो ये प्लांट अच्छे से नहीं चलेगा। और कटिंग से इजीली आप इसको ग्रो कर सकते हैं, छोटी छोटी टिप की कटिंग आप मतलब लगा सकते हैं कहीं से भी। अगर 20 से भी कहीं की कटिंग आप इसको लगा देते हैं, तो बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। तो कटिंग से इजी टू ग्रो है, बिल्कुल बहुत ही आसान है। ये सीड से भी ग्रो होता है, सीड से अपने आप ये ग्रो हो करके पूरे गार्डन में आपके हो जाएगा। तो इसमें पर्सलेन की भी एक वेराइटी आती है, उसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये पता नहीं किस चीज़ का प्लांट ग्रो हुआ है, ये शायद मॉर्निंग ग्लोरी जैसा दिख रहा था, पर पता नहीं, अभी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मैंने उखाड़ भी लिया इसको। तो चलिए अभी देखते हैं, यहीं पे लगा देते हैं, बाद में निकाल लेंगे फिर यहाँ से। तो वीड्स लेकिन इसके अंदर मत होने दीजिएगा, एक बार वीड्स होती है ना, तो फिर पूरे कवर कर लेती है, देखिए इस तरह से। तो वीड्स को आप उसी टाइम जब देखें तभी निकाल लें, नहीं तो इतना ज़्यादा ही फैल जाती है कि पूरे इसको कवर कर लेगी और आपका जो प्लांट है वो गायब हो जाएगा। तो वीड्स को मत ग्रो होने दीजिए। तो इस तरह से आप इसको ग्रो करके बहुत ही आसानी से अपने गार्डन में बहुत सुंदर ब्यूटी, इसमें ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और साथ के साथ इसमें फ्लावर भी बहुत सुंदर आते हैं। अभी देखिए, दोपहर के 2 बज चुके हैं और इनमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी, सुबह 9 बजे से लेकर के लगभग 4 बजे तक इसमें बहुत अच्छे फ्लावर खिले रहते हैं। और इस तरह से देखिए, इनको कट करते जाना है, देखिए कितना प्यारा सा फूल है। तो बस यही है इसकी केयर, फर्टिलाइजर आप थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, तो ये काफ़ी टाइम तक और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस पर फूल खिलेंगे। अगर आप फर्टिलाइजर नहीं देंगे, तो ये थोड़ा सा ग्रो तो करेगा, लेकिन उतनी अच्छी मतलब फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा फिर, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें फूल निकलते हैं, बहुत ढेर सारे। थोड़ा सा हैवी क्वांटिटी में इसको थोड़ा फर्टिलाइजर भी चाहिए होता है। और अभी तक देखिए, मैंने दिया नहीं है, तो ये कुछ टाइम खिलेगा, लेकिन उसके बाद खिलना फिर बंद हो जाए, क्योंकि अभी इसने फ्लावरिंग शुरू की है। और ज़्यादा इसको मैं अगर कुछ नहीं दूँगी, तो फिर ये फर्टिलाइजर मतलब फ्लावरिंग नहीं करेगा। और अगर आप थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइजर इनमें डालते जाएंगे, तो ये कंटिन्यू इसी तरह से पूरे टाइम आपके यहाँ लगभग 6 से 5-6 महीना ही खिलते रहेंगे।
तो बस फ्रेंड्स इतना ही बताना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।